नेपाल में 10 घंटे में भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए जिससे लोगों में दहशत है। इंडिया टीवी संवाददाता श्रुतिका ने भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा से बात की और भूकंप के खतरे के बारे में समझने की कोशिश की। बातचीत करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो यही कि जो कल भूकंप आया इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 6.3 था, इससे क्या समझा जा सकता है? क्या कुछ आगे इसको डिस्ट्रक्टिव माना जा सकता है या क्या आगे भी इस तरीके के जो ट्रेमर्स हैं वो उत्तर भारत में आ सकते हैं? देखिए, आज सुबह में जो 1:57:24 में जो मेनशक हुआ है, जो मैग्नीट्यूड 6.3 था और जो 8 से 10 किलोमीटर की गहराई पर जो हुआ आज सुबह, 6.3 मैग्नीट्यूड का कोई भी अर्थक्वेक होता है यदि 10 किलोमीटर के ऊपर, तो काफी समझिए कि वहां की इंटेंसिटी तीव्रता जो है 8 था। ये मेजर किया गया तीव्रता, सेकिंग जो मैप है वो दिखाता है कि 8 जो है डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक का एक इंडिकेटर है जो वहां पर रहा। लेकिन धीरे धीरे जो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता गया वो डाई आउट हुआ वेरी फास्ट। तो आप देखिएगा कि जब यहां तक आते आते करीब 5 रहा हमारे पिथौरागढ़ में आते आते, और दिल्ली में आते आते 3 और 4 के बीच में रहा। 157 पर जो ये शॉक आया उससे पहले भी झटके महसूस किए गए थे और पहले भी आए थे। सर, इस तरीके के जो झटके आते हैं इनसे क्या समझा जाए कि क्या ये भी नुकसानदायक होते हैं? देखिए, हम लोग लकी हैं क्योंकि आप देखे होंगे कि ये जो 1:57 जो अर्थक्वेक हुआ ठीक 4 घंटा पहले और 5 घंटा पहले 8:51 पर एक अर्थक्वेक आया था जो कि 4.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, और उसके पहले भी 3.5 मैग्नीट्यूड आया था, और 30 अक्टूबर को भी एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड करीब 3.6 था। तो इससे पता लगता है कि उस सोर्स जोन में जहां पर ये 6.3 अर्थक्वेक हुआ है उस जोन का स्ट्रेन एनर्जी स्टार्टेड टू रिलीज फ्रॉम 30th of October। यदि ये रिलीज नहीं हुआ होता तो शायद ये मैग्नीट्यूड कहीं पर ज्यादा होता। अगर बात करें दिल्ली की और दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर भी जो झटके थे वो काफी तेज लोगों को महसूस हुए कि रात के वक्त जो लोग सोए हुए थे वो भी उठकर बाहर भागकर घरों से बाहर निकल आए। तो ऐसे में सर, ये जो झटके हैं, बल्कि ये कहा जाए कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनपे ज्यादा महसूस क्यों होते हैं? जरूर, आप एक देखिएगा कि अर्थक्वेक का डैमेज पैटर्न जब आप स्टडी करेंगे तो जब सब लोग जब घर में सोए रहते हैं, आप लातूर और केलारी अर्थक्वेक याद करिए 1993 में रात में हुआ था, तो वहाँ का डैमेज ज्यादा हुआ था क्योंकि मैग्नीट्यूड वही 6 के करीब था उसमें। तो जब लोग घर में रहते हैं तो घर में बंद रहते हैं, और जब झटके होते हैं तो वो नींद में होते हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, जल्दी भाग नहीं पाते हैं, उसको समझ में नहीं आता हुआ क्या। तो ये जो होता है वो वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि यदि ये दिन के टाइम में 6.3 हुआ होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।